चार बहुत बड़े सितारे एक साथ गैलेक्सी पे आने वाले हैं, और ये आम सितारे नहीं, ये वो सितारे हैं जिन्हें देखकर आंखें खोलना मुश्किल हो जाता है, जिन्हें देखकर माएं अपने लखते जगरों को अपने कलेजों से लगा लेती हैं और कहती हैं कि बेटा कुछ बनना तो बस ऐसे ही बनना, जिनके बारे में मशहूर शायर शहजाद रॉय ने अपनी किताब साली तू मानी नहीं की जिल्द नंबर 5 और सफ़ा नंबर 62 पर फरमाया है, तेरा मुखड़ा हंसी जादू कर गया, ये दिल ले गया मेरी जान। आप लोग कितने लकी लोग हैं, आज आपको ना सिर्फ एंटरटेनमेंट मिलेगी बल्कि एजुकेशन भी मिलेगी। ये वो सितारे नहीं जो सिर्फ सितारे हैं, अरे ये तो इंटेलेक्ट की दुकानें हैं। आज आपकी किस्मत बहुत अच्छी है कि आप यहाँ मौजूद हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें गवर्नमेंट्स अपने एडवाइजरी पैनल्स पर लेना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि आखिर हमारा मुल्क ऐसा क्यों नहीं चल रहा जैसे इनका सोशल मीडिया चल रहा है। ये सिर्फ सुपर मॉडल्स नहीं बल्कि ये हैं रोल मॉडल्स। ये अगर घर से निकले तो चेंज ले आए, खुला नहीं दुनिया में चेंज ले आए। कहते हैं कि औरतें अगर चार हों तो होती हैं 400 पर भारी, ये तो खुदा का शुक्र है कि इनकी है मुझसे यारी। इससे पहले कि सस्पेंस और बढ़े और आप कहीं और चले जाएं, आपकी मुलाकात कराता हूं इन सुपर सितारों से, और सबसे पहले मिलवाता हूं अपनी दोस्त से जो फिल्म टीवी और थिएटर तीनों मीडियम्स पे काम करती हैं, गाना भी गाती हैं और फैशन आइकॉन भी हैं, जिनके आने से दिल कहे रश के कमर, प्लीज वेलकम आयशा। कहता हूं आपको इस शो में थैंक यू, बड़े अरसे बाद किसी ऐसे शो में आए हैं जहां आप ज्यादा बातें करेंगे। मैं सोचता हूं कि आज भी आप ज्यादा बातें करेंगे क्योंकि आपकी बातें सुन के मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आपकी बातें बड़ी काम की बारे में बोला था कि रश के पूरी सेंटेंस रिपीट करें जरा, जिनके आने से दिल कहे रश के कमर। देखेंगे ये सच बात है, दिल की बात है, बहुत अच्छी लग रही है। आज पूरा शहर भी लाल हो रहा है और आप भी लाल लाल हो रही हैं, इतनी सुर्खी फैला दी आपने माहौल। बड़ी ईद पे मैंने कहा थोड़ा बड़ी तैयारी होनी चाहिए, बड़ी तैयारी, बहुत खूबसूरत लग रही है आयशा। इसके साथ ही हम अपनी दूसरी मेहमान को बुलाते हैं। मेरी दूसरी मेहमान जैसे लोग इस इंडस्ट्री में बहुत कम हैं जो फिल्म और टेलीविजन को पढ़ कर आए, ना सिर्फ अच्छा स्क्रिप्ट लिखती हैं बल्कि बहुत ही अच्छी अदाकारा भी हैं। इनका दीवाना है मानता ही नहीं दिले नादान, प्लीज वेलकम द वन एंड ओनली अमर खान। लड़की है चारी तेरे अमर, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। कैसी गुजर रही है आपकी? बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छी लग रही हैं आप माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, आप भी बहुत हैंडसम लग रहे हैं माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। हाँ वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये आपकी बोटाई के बारे में नोट की है। थैंक यू आयशा। ये क्या रबर से बनी हुई है? नहीं जी, रबर से नहीं बनी हुई, ये शुद्ध प्लास्टिक से बनी हुई है। प्लास्टिक से बनी है, इट्स नॉट कपड़ा। और ये प्लास्टिक मैं आपको बता दूं कि ये वो वाहिद प्लास्टिक का टुकड़ा है जो चांद पे पाया गया था, और उससे ये बोटाई बनाई गई। वाओ, चांद पे चांद का टुकड़ा आज लगा हुआ है, चांद की गर्दन पे चांद का टुकड़ा। ये तो अमर की राइटिंग है। ये इलॉन मस्क से मंगवाई है? इलॉन मस्क से मंगवाई है? नहीं, वो मुझसे मंगवाने की कोशिश कर रहे हैं मगर मैं दे नहीं रहा क्योंकि मेरे पास एक ही है। मेरी अगली मेहमान भी बहुत ही कमाल है, चार हुकूमतें बदल चुकी हैं मगर ये अभी भी उसी शो पर होस्टिंग कर रही हैं। शो पर बुलाती हैं सबको, मीरा हो या नासिर, प्लीज वेलकम सुप्रीमली टैलेंटेड निदा यासिर। बिल्कुल ठीक ठाक, आपको बुलाने में बड़ा घबरा रहा था। क्यों? मैंने कहा ये शो ले लेंगी मुझसे। अल्लाह ऐसा कुछ नहीं, आप इतने अच्छे होस्ट हैं। दो शो हैं ये, दोनों ये कर लेंगे। नहीं नहीं, मैं अपनी जगह पे खुश हूँ माशाल्लाह। और वो नजर भी आता है आपको देख के, आप बहुत खुश हैं और बहुत लोगों को खुश भी करती हैं सुबह। लेकिन मैं आज बहुत रिलैक्स हूँ क्योंकि यहाँ भी एक यासिर है माशाल्लाह। प्लीज अच्छी मिलने आप लोग पहले एक ईद हम मिलते हैं। मिला मिलाना तो होता रहेगा, आप मेरे पीछे जरा ट्रेन बना के हम लोग आएंगे। अच्छा। अमर चुक चुक की आवाज नहीं आ रही मुझे, प्लीज आइए। चुक 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 चुक। प्लीज आइए खवातीन, आज मेरे लिए बहुत खुशी का मौका है। मैं बड़े अरसे बाद ऐसे अपनी पुरानी दोस्तों में आके आज बैठा हूँ माशाल्लाह। शादी के बाद आज बहुत जमानों बाद मुझे ऐसा अच्छा फील हो रहा है। मैं डर गई मैंने कहा है मेरी शादी कब होगी? आपने इतना पक्का मुंह बना के मुझे कहा शादी के बाद पहली बकराईद पे जो आप आई। अच्छा अमर भी डर गई, कहती ये पता कैसे लगा तुम? हाँ बिल्कुल, मैंने जवाब करेगी। अच्छा सबसे बड़े पाकिस्तान के ईद शो में आके कैसा लग रहा है आपको? भाई आपका शो है तो फिर अच्छा ही होगा ना। वंडरफुल एक एक्सपीरियंस, मुझे तो बहुत, मैं रिलैक्स हूं है ना, सारा बर्डन यासिर के ऊपर है। वो खुद भी बहुत बड़े-बड़े शोज करती है ना। जितना अच्छा बोलने वाले लोग आए हुए हैं ना, मुझे कोई बर्डन